जय हिंद जय भारत। प्यारे देशवासियों, आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। समस्त देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस के इस रिपब्लिक डे के उपलक्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, रिपब्लिक डे के रूप में जिसे हम मनाते हैं। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, इसको लिखने में यूं कहिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। बड़ी तपस्या और बड़े गहन अध्ययन के साथ लगभग 60 देशों से बातों को खींचा गया, सींचा गया और यह संविधान लिखा गया। देखिए, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमें हमारे अधिकार देता है, संविधान हमें हमारे कर्तव्य भी देता है। हम पिछले 72 सालों से लगातार गणतंत्र दिवस को बड़े अच्छे तरीके से मनाते आ रहे हैं और हमारे देश में जो चहुमुखी विकास हो रहे हैं, इस पर एक झांकी निकाली जाती है 26 जनवरी को, जिसको 26 जनवरी को परेड भी कहते हैं। इसमें सैनिक शक्ति भी देश की दिखाई जाती है, देश में तमाम साइंस टेक्नोलॉजी और कृषि से जुड़े और दूसरे फील्ड से जुड़े तमाम डेवलपमेंट कार्य दिखाए जाते हैं। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक किसान आंदोलन की आड़ में कुछ किसानों के बीच कुछ उपद्रवी लोग वहाँ पर घुसे और लाल किला के इर्द गिर्द लाल किला तक जा पहुँचे, जिस लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर साहब देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर होते हैं, देश विदेश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर होते हैं, वहाँ कुछ उपद्रवी लोग घुसे और उन्होंने आज हमारे संविधान को भी तार तार करने का प्रयास किया। ऐसे नालायक और निकम्मे लोगों के खिलाफ यह सरकार तुरंत जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। आज मौका है, जिन लोगों ने वहाँ उपद्रव किया है उन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे सरकार, ऐसी कार्रवाई करे प्रशासन, ऐसी कार्रवाई करे कि आगे कभी ऐसा कोई गलत प्रयास करने का कोशिश जिंदगी में कोई दूसरा ना करे। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तिरंगे के सम्मान में, जिस तिरंगे के मान में हमने कई युद्ध जो है झेले, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लगाकर देश को आजाद कराया, इसी प्रकार अशफाक उल्ला खां और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने शहादत और अपना पूरा जीवन दिया, सरदार उधम सिंह ने देश को आजादी दिलाने में अपना बलिदान दिया, लाखों, क्या बताऊं, लाखों बच्चों ने, शहीदों ने, नौजवानों ने अपनी शहादत दी और उसको आज तार तार करने के लिए कुछ नालायक और निकम्मे ऐसे लोग लाल किले की प्राचीर तक पहुंचे, जिन्होंने अपना झंडा ठोका, जिन्होंने अपना झंडा लगाने का दुस्साहस किया। सरकार इनके खिलाफ तुरंत ऐसी कार्रवाई करे कि आगे जिंदगी में ऐसा कोई कलंकित कार्य दोबारा करने का प्रयास ना करे। गलती कुछ लोग करते हैं, उसको भुगतना बहुत ज्यादा लोगों को पड़ता है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ नालायकों ने गलती 1984 में करी और उनकी गलती की वजह से हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। ऐसा ही अब दोबारा कुछ ऐसा किया जा रहा है, गरीब और भोले भाले किसानों को कुछ दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कि जो सरकार ने कानून बनाए वो उनके खिलाफ है, सरकार इन कानूनों पर तुरंत विचार करे। और सरकार से मैं भी अपील करता हूं कि अगर किसानों को ये लगता है कि भाई ये कानून गलत है और उनके हित में नहीं है, किसानों के जो विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई उनके हित में नहीं है, तो इन तीनों कानूनों को सरकार पुनः स्टडी करे और हो सके तो इनको रिपील करे, वापिस करे, MSP लागू करे, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करे जो किसानों के पूर्णतः हित में है। कई ऐसी बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी करी है, पूरे देश ने जय जयकार किया है, लेकिन ये पता नहीं रोड़ा कहाँ से अटका है, ये किसान बिल क्यों लाया गया है, ये बगैर स्टडी के लाया गया है, तो इसमें सुधार किया जाए, किसानों को समझाया जाए। किसानों की शहादत हो रही है,
बॉर्डर पर दिल्ली के चारों तरफ किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, व्यापारी लोग परेशान हैं, दिल्ली और पूरा देश परेशान है, भारत की शान घट रही है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से आग्रह है कि किसानों की इन समस्याओं पर तुरंत विचार किया जाए और अगर इन कानूनों में कुछ खामियां तो इन कानूनों को तुरंत कैंसिल करी जाए, इनको रिपील करा जाए, वापस करा जाए और MSP लागू की जाए और इन नालायकों ने जिन्होंने आज यहाँ पर अपना झंडा लगाने की कोशिश करी गई है लाल किले पर, उन नालायकों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बेचारे जो पुलिस वाले हैं उनको चोटें आई है, लोगों ने वहां तलवार दिखाई है, लोग वहां घोड़ा ले गए, घोड़ा वहां तक कैसे चलेगा, जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता वहां घोड़ा कैसे चलेगा। इसका मतलब प्रशासन ने जो ढील दी उस ढील का इन हरामखोरों ने फायदा उठाया, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और किसान नेताओं से मेरा आग्रह है, साफ साफ आदरणीय श्री टिकैत साहब से विशेष रूप से आग्रह है, वो बड़े किसान नेता के बेटे हैं, स्वयं भी बड़े किसान नेता है, वो किसानों को अच्छे तरीके से समझाए। योगेंद्र जी साथ में है और दर्शन पाल जी और कई लोग जो है वो किसानों को समझाए और कोई उपद्रवी उनके अंदर ना घुसे, क्योंकि किसानों की एकता को तोड़ने के लिए कई लोग आए हैं। ये आरोप आप पर लग जाएंगे, ये धब्बे कभी नहीं मिटेंगे, देश पीछे चला जाएगा। ये किसानों ने ही इस देश के GDP को बचाया हुआ है, जो GDP में सबसे बड़ा नुकसान उठाने के बाद भी किसान देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है जल्दी से जल्दी सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे और जिन लोगों ने आज दिल्ली के अंदर जो गद्दारी और मक्कारी करी है, अपना झंडा तिरंगे की जगह फहराने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और गोली में अगर कोई मारे गए हैं या वैसे कोई मारा गया है तो सरकार उनको मुआवजा दे और कोई ऐसी दिक्कत ना बने जो देश के लिए नासूर पैदा हो जाए। जय जवान, जय किसान, जय जय भारत।